सो यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन करण मेहता ब्लॉग्स। तो हमारा जो चैनल है आज आपको ले आया है लखनऊ। और लखनऊ में मनु भाई ये क्या कौन सी जगह है, फैक्ट्री है कोई? पारा जगह है और यहाँ एक फैक्ट्री है जो बोला जाता है कि घर भी है एक तरीके से, फैक्ट्री भी है। लाइट के पास बड़े कीड़े आ चुके हैं, बड़ा अजीब लग रहा है शूट करते वक्त। तो बेसिकली ये मनु भाई जो फैक्ट्री है, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई है कि होती गई है, कई लोगों ने देखी है। और ये इसी जगह के बीच जंगल है एक तरीके से। हाँ, ये जंगल है पूरा। वहाँ पे आगे एक फैक्ट्री है, आगे एक फैक्ट्री जहाँ भी हम लोग चले जाएंगे। तो चला जाए वहाँ पर, चला जाए मनु भाई। चलो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कितना ये इधर से है। तो ये पूरा इस समय जंगल है, आपको थोड़े ट्रैवल। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को थोड़ी नॉइज़ की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पीछे की साइड ही हाईवे पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक चलता रहता है। बट इस समय पूरा जंगल, पर इस समय रात को यहाँ 11-12 बजे के बाद कोई नहीं आता जो हम आए हुए हैं। तो आपको लखनऊ के पूरे ब्लॉक्स की 3-4 सीरीज देखने के लिए मिलेगी। क्यों मनु भाई हमारे चैनल में? बिल्कुल बिल्कुल, 5 सीरीज मिल जाता चैनल पर। नया देखिए गाइस, हम इससे रिक्स लेके आप लोगों के लिए इस जगह पे आते हैं। तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब और ना सपोर्ट कर दिया करो, ताकि हम और जगह जा पाए, हमारे पास कुछ आ सके जो मनु भाई और हम लोग कर सके आप लोगों के लिए। अगर आपको देखना पसंद है तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेसिकली गए फैक्ट्री में, आप इस तरफ दिखा दीजिए, पूरा ये पूरा जंगल है। पारा बोलते हैं इस फैक्ट्री की स्टोरी मुझे नहीं पता, पर अभी हम किसी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा करें। पर इसका पता है कि भाई ये जगह हॉन्टेड है, काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हो रहा है यहाँ पे। टाइम में आपको बता दूँ तो 10:00 हो रहा है, इस समय सुना रहे हैं कि रात में यहाँ पे अलाउड नहीं क्या होता है। और लोगों को इसी वजह इसी वक्त में पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है। ये पूरी फैक्ट्री है, तो गाइस ये वो जगह है जिस फैक्ट्री के अंदर बोला जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। मतलब ये मनु भाई भूतिया घर में ही आता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ दूसरे भाई कहाँ है हमारे? इरशाद, आ जाओ। तो इरशाद भाई भी है हमारे साथ। इरशाद भाई, आप तो यहाँ के लोकल हो, तो आपको कैसा फील होता है कभी बार यहाँ? ये बहुत डरावना है, ये बरगद बहुत साल पुराना। अच्छा, ये बरगद पेड़ है बहुत साल से है, मेरे दादा परदादा के टाइम से है भाई। और ये बहुत ही डरावनी जगह है, यहाँ लोग रात में आते नहीं। आप मेरे बुलाया तो आ गए, अंदर देखिए बहुत पुरानी कोठी है, देख सकते हैं। आ जाओ अंदर, आप थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। ये रूम है बहुत पुराना पड़ा हुआ भाई, ये तो कुछ यारी खंडर टाइप में है। खंडर टाइप में? हाँ भाई। कितना पुराना होगा ये? ये पता नहीं कब से, पर बहुत मेरे बचपन से बना हुआ है, पता नहीं कितने साल पुराना बना हुआ। यहाँ आगे से स्मेल भी है, थोड़ा आगे दिखाओ ये कितने टाइम से बंद है ये जगह? बहुत काफी सालों से बंद है। बाकी ये पीछे क्या है? पीछे ये पीछे सब जंगल है। अच्छा, तो यहाँ लोग घर के वाले आते नहीं कि यहाँ के पास में जानवर कहना है आगे जानवर होंगे टहलते ये लोग यहाँ पे आते हैं जंगल में। मतलब तो मनु भाई आप बताओ, अगर हमें बात करनी है आपको यहाँ, हो सकता कोई आप भी बात करना चाहे? बिल्कुल बात करनी है, अच्छे करते हैं आप प्लीज। हमारे फोन से इतनी शूट हो रहा है तो ये आ जाओ थोड़ा पास कैमरा लेके। आज आप भी सुनना बात, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे आसपास कोई आत्मा है? क्या हमारे आसपास कोई आत्मा है? क्या यहाँ कोई है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाना चाहता है? तो बोले हाँ।
हाँ 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 बोला था। हाँ बोला। क्या यहाँ, मैं एक और बार सुनना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई आत्मा या कोई बंदा है जिसको हम ठंडक हुई? हाँ ठंडक हुई हुई ना। क्या यहाँ आसपास कोई अभी मेरे आया है? क्या आप मेरे आसपास हो? हाँ। ये लाइट कैसे बंद हो गई मेरे फोन की? यहाँ से लाइट चल रही थी। लाइट ऑन करो। अपने आप बंद हो गई। लाइट ऑन करो। अपने आप बंद हो गई। बैक हो जाओ। देखो यहाँ ठंडक आपको फील हो रही होगी। अब थोड़ा हम इस तरफ आ जाते हैं, इस खिड़की साइड से थोड़ा हमें ठंडक फील हो रही है। तो आप अभी हमारे आस पास हो इसलिए ठंडक हुई? क्या बोले इसने? यस यस। क्या आप हमारे आस पास हो इसलिए हमें ठंडक फील हुई? साफ आती भी नहीं। बड़े ध्यान से थोड़ा पास आके सुनो, आपको सुनाई देगा। क्या आप हमारे आसपास हो? हाँ बोला। थोड़ा बैक हो जाओ। तो ठीक है, क्या आपका यहाँ मर्डर हुआ था? हाँ बोला। क्या आपको यहाँ किसी ने चाकू मारा था या गोली? मैं चाकू बोलूंगा तो आपको हाँ बोलना है। हाँ बोला। क्या आपको किसी ने चाकू मारा था? हाँ बोले। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा वैसे बोल रहा है। क्या आप मुझे क्लियर में समझा सकते हैं? क्या यहाँ ठंडक आपको फील हो रही होगी इस समय? हाँ। क्या आपको किसी ने चाकू मारा था? थोड़ा वैसी आवाज आ रही है, देखो आ रही ना, नेटवर्क की वजह से हमको लग रहा है। नहीं, ये वैसे भी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कैच करता है, जैसे कुछ चीज़ हमसे बात करना चाहिए उसके थ्रू बात कर रही हो अभी। जी, बहुत स्लो बोलता है। बहुत स्लो बोलता है क्योंकि उस चीज़ की आवाज़ नहीं होती। कोई था क्या भाई? लगा ऐसा कुछ है। बैक करो। इधर कर। लगा था क्या? हाँ। अंदर आना, एक मिनट। ऊपर की तरफ कमरा, एक और कमरा है इसके अंदर। तो एक और कमरा है इसके अंदर, तो चले वहाँ पर अगर आपको कुछ लगा हो तो। बिल्कुल। चलो अंदर, ज्यादा देर ना चलना भैया। जानवर डालते हैं उधर, करना हुआ है यहाँ सबल के ऊपर जाने वाले बहुत मकड़ी उड़ गए। ये तो बाहर का रास्ता है। तो यहाँ ठंडक थोड़ी आपको कम महसूस हो रही है जी। तो एक बार हम आपसे फिर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको मेरे आने से यहाँ कोई दिक्कत हो रही है? हाँ। देखिए मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपकी यहाँ मौजूद। आप क्यों हैं यहाँ पर? आपको क्या मुक्ति नहीं मिली? क्या कहें? क्या आप महिला हैं? आवाज आ रही है कुछ थोड़ी, मुझे भी डर सा फीलिंग हो रही है। चलो यहाँ पे ठंडक फील हो रही है सर। हम बात करते हैं उससे। बात करिए। मोबाइल फ्लैश फिर बंद हो गई। अपने आप फ्लैश अपने आप बंद हो गई। आप भाई थोड़ा आइए, आप भी आवाज सुनिए। क्या आप एक महिला हैं? हाँ। आप कुछ करिए, आप मुझे अपना एहसास दिलवाइए कि आप यहाँ पर हो। है? ऊपर से गिरा क्या? इधर से कुछ लग रहा है। ऊपर तो नहीं,
यार दूर हटो थोड़ा, कुछ गिरा अभी। डरना मत बिल्कुल भी। इधर से ही कुछ आया खिड़की से, खिड़की से कुछ आया। क्या आप लोगों ने हमारे ऊपर कुछ फेंका अभी अभी? अरे पीछे मत आना, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आपको मुक्ति नहीं मिल रही? आप बताइए, मुक्ति नहीं मिल रही आपको? चलना चाहिए यहाँ से, ठंडक फील हो चाहिए। तो कुछ है, है? अचानक ही कुछ हो रहा है, चलना चाहिए। तो गाइस हम आप हमारे पीछे मत आइए। हम यहाँ जा दे, रुकना नहीं है। ये आवाज कर दी थी, चलो यहाँ रुकना, ठीक है। बंद कर दो, हमारे पीछे मत आइएगा। कैमरा बंद कर दो,